सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आज एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस क्लास 9th के लिए एपिसोड नंबर 10, जो टॉपिक अगर हम नाम कहें तो नाम से स्पष्ट है। क्या नाम से स्पष्ट है? लीनियर होगा, यानी पावर वन होगा, पावर वन होगा। और उसका इक्वेशन, समीकरण, और कितनी वेरिएबल होगा? दो होगा। यानी इसको सोचो कि लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल। चलो मैं एक प्रश्न करता हूं, उस प्रश्न को पहले सोचो। प्रश्न यह है कि एक ए टीम है और दूसरा बी टीम है। एक ए टीम है और दूसरा क्या है? बी टीम। ए ने कहा बी से कि एक हमें तुम देते हो तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। बी ने कहा ए से कि एक तुम हमें देते हो तो हम तुमसे दुगना हो जाएंगे। दिस इज द लिनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल। सोचो मेरे दोस्त, अगर ए के पास 5 है और बी के पास 7 है, अब बताओ ये इसको दे देगा तो 6-6 बराबर हो जाएगा, और ये इसको दे देगा तो यहां पर 4 हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा, यानी यह इसका दुगना हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना एक्स वाई मान करके, यह कहलाता है लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल। तो आइए हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल को। एक्स और वाई है, तो यहां वाले को हम अगर एक्स मानते हैं और इसको वाई मानते हैं, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या होगा कि वाई कह रहा है कि एक दे दिया, यानी एक्स प्लस वन हो गया। यहां पर ये इक्वल हो गया, यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू हो गया। यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, ये पहला इंफॉर्मेशन हुआ। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या हुआ कि अगर वाई वाई अगर ये अगर इसको देता है, यानी एक्स माइनस वन इधर वाई प्लस वन, तो यह दुगना हो जाएगा, यानी टू टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी 2x-2 y प्लस वन, यानी 2x-y इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने का तरीका अंदर में हम बताएंगे, लेकिन अभी पहले इंट्रोडक्शन था। यहां पर y के जगह पर x प्लस टू हो जाएगा, यानी यहां पर y के जगह पर x प्लस टू रख दोगे तो यहां पर ये 2x हो जाएगा, -x-2 इज इक्वल टू 3 हो गया, यानी x बराबर 5 हो गया। यानी x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7 है। और ऐसे करके हम चेक करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लिनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल। अगले प्रॉब्लम में हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का किताब, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इंट्रोडक्शन। √2y+√3 इज इक्वल टू 0, यह देखो कभी 0 नहीं होगा। एक्स प्लस, हाँ यहां वाई का वैल्यू को क्या रखेंगे ताकि 0 हो जाए? यहां पर √2 है, वाई है, √3 है, इक्वल 0, तो √2y इज इक्वल टू -√3, सो वाई इज इक्वल टू -√3/√2 हो जाएगा। यहां पर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की पहले बात किया है, तो 2x+5=0, यानी 2x इज इक्वल टू -5 है, x इज इक्वल टू -5/2 है। हम समझते हैं कि सभी स्टूडेंट को समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगला हम बात करते जाएंगे, यह
यहां पर कह रहा है कि एबीसी का वैल्यू निकालो, कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। यहां पर 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल जीरो, तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा और c बराबर माइनस 4.37। इस टाइप से क्या तुम लोग कर सकते हो? जवाब होगा यस सर, कर सकते हैं। बोलो कर दोगे? जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो, तो यहां पर 4, ये 5x है, माइनस 3y, 4 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल जीरो। कंपेयर करवा दो, ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b की वैल्यू माइनस 3 एंड c की वैल्यू माइनस 4। हम समझते हैं कि सभी स्टूडेंट को बिल्कुल समझ में आ चुका है। जवाब होगा यस सर, आ चुका है। लेकिन एक प्रश्न आप बड़ा मुद्दे पर आता है। क्या मुद्दा है? एक विद्यार्थी सॉल्व किया तो यह आया। तो यहां पर तुम्हारे पास जो है यह भी बात को थिंकिंग करना है कि C को पॉजिटिव करें तो एक आंसर यह भी सही है। दूसरा स्टूडेंट ने कहा कि A बराबर माइनस 5 और B बराबर प्लस 3 और C बराबर प्लस 4, यह भी जवाब सही है क्योंकि दोनों ही सेम है। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन होने के लिए C को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। C की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। C की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बात मेरी समझ चुके होंगे। आइए एक्सरसाइज में करते हैं। और तुम सर का रूल जानते होगे कि जो भी एक्सरसाइज सर करवाते हैं, जितनी क्वेश्चन होता है उससे बहुत कम समय लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, 2 मिनट बहुत है, थोड़ा आराम भी कर लो। एक्सरसाइज 4.1, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पहला वाला का x मानेगा तो उससे वो दुगना है कि नहीं? राइट द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। नोटबुक को अगर तुम माना ₹1 में, इसको क्या मानेगा y में, पेन से कितना है दुगना, कर दोगे उसकी दुगना बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन फ्रॉम x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो एंड द इंडिकेट वैल्यू ऑफ एबीसी इन ईच केस। ध्यान देना है, c को ग्रेटर देन जीरो लेना है। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y, यहां पर रेकरिंग की चक्कर चला दिया है तो चलने में कोई दिक्कत नहीं। 935 माइनस 93 बटे 90, ये कर देना है चाहे वही नंबर छोड़ दीजिए। तो यहां पर 9.35 पर एकरिंग हो गया, इक्वल जीरो कर दिए, ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू निकल गया। लेकिन सी चूंकि निगेटिव में आ जाएगा मेरे दोस्तों, इसलिए ध्यान देना है कि सी को ग्रेटर करने के लिए माइनस से रेस्टलाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर 9.35 पर रेकरिंग हो गया, अब ये बिल्कुल सही जवाब हो गया है। सेकंड क्वेश्चन में भी तो कोई भार है नहीं, क्योंकि हम भार रहने नहीं देते हैं, किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ ही नहीं देते हैं। 5x माइनस वाई 10 50 हो गया, इक्वल जीरो हो गया, ए की वैल्यू 5 हो गया, बी की वैल्यू माइनस 1 हो गया, सी की वैल्यू माइनस 50 हो गया
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ए का वैल्यू -5 हो गया, बी की वैल्यू 1 हो गया और सी की वैल्यू 50 हो गया, ये दोनों बात सही है। लेकिन स्टैंडर्ड में है बिना स्टैंडर्ड में है, हम समझते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग बना देंगे, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होगा, और जो तकलीफ होगा वो तकलीफ को बताइए, क्योंकि हम तकलीफ रहने नहीं दूंगा। माइनस से रेशनलाइज कर दें तो 2x - 3y + 6 = 0 हो गए, यानी ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -3 एंड सी का वैल्यू 6। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहां पर 2x + 5y = 0, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 0 है। अगला तुम्हारे पास है 3x + 2 = 0, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 2 है। हम समझते हैं कि खूब बढ़िया से आप लोग समझ चुके हैं, y - 2 = 0, तो यहाँ a 0 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -2 है। अब क्वेश्चन में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उस पर वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां पर वो सही है, अदरवाइज सही नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन को या कुछ भी क्वेश्चन को कि उसको रखने के बाद क्या मिलता है, ये बात को जानना जरूरी है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां पर कह रहा है ना फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ ईच फॉलोइंग क्वेश्चन, कह रहा है मेरे दोस्त 4x + 3y = 12, ध्यान देना दो गो सॉल्यूशन बोलना है। अगर x का वैल्यू 0 रखेगा तो y की वैल्यू 4 हो जाएगा, अगला केस में y की वैल्यू 0 रखेगा तो x की वैल्यू 4 × 12 हो जाएगा, यानी 0, 4 और 3, 0, दो गो सोल्यूशन निकला। अगला इसी ढंग से करेंगे तो हम समझते हैं कि आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 में हम आ चुके हैं। यहां पर बात होगी, क्या बातें होगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। कह रहा है y = 3x + 5, x का कुछ भी वैल्यू रखोगे तो y देगा, पूछो रख दो, x की वैल्यू 1 रख दिया, y की वैल्यू 8 आ गया, अगर यहां पर 2 रख दिया 11 आ गया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ एच फॉलोइंग क्वेश्चन, चार वो सॉल्यूशन लिखना है। हम समझते हैं कि सारे दोस्त 2x + y = 7 है, ऐसे चार को बॉक्स ए वाला बॉक्स बना लीजिए और ये टेबल बना के लिखिए तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। एक्स है वाई है, एक्स की वैल्यू यानी वाई बराबर इसको 7 - 2x लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे 5 हो जाएगा, 2 रखेंगे 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे 1 हो जाएगा, 4 बोल रहा था 4 हो गया, मजा आ गया क्या। अगला कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन आर इक्वेशन इक्वल 4 विच आर नॉट, कौन है कौन नहीं है। x के जगह पर 0 रख दो, y के जगह पर 2 रख दो, तो 2 × 4 -4 आ रहा है, जवाब होगा नो। अगला 2, 0 रखोगे तो यहां 2 है, ये 0 है, ये भी जवाब नो। 4, 0 रखोगे, बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला देखते हैं, √2 रखते हो और यहां 4√2 रखते हो, 4 × 8, ये भी जवाब गलत होगा। 1, 1 रखते हो, 1 - 2 - 1 होगा, ये भी जवाब गलत हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जब x के जगह पर 2 रखोगे, y के जगह पर 1 रखोगे
यहां दो रखोगे तो यहां चार हो जाएगा, यहां तीन हो जाएगा, और चार तीन सात हो गया, एक्सरसाइज 4.2 भी हो गया। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ग्राफ खींचने के लिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, ग्राफ खींचने के लिए दो पॉइंट काफी है। बोलो, बुक वाला कहेगा चार पांच पॉइंट काफी है, तो लोग बोले ना 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 दो पॉइंट काफी है। ग्राफ खींचने के लिए दो पॉइंट काफी है। वह पॉइंट है कि एक बार एक्स पर हाथ धर दो, यानी एक्स बराबर जीरो रख दोगे, वाई की वैल्यू सिक्स आ जाएगी, और दूसरा में वाई जीरो रख दो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और एक्स की वैल्यू छह हो जाएगी। वाई जीरो रखने से यहां पर वाई की वैल्यू तीन आ गई और यहां पर एक्स बराबर छह हो गया। ग्राफ खींचना बिल्कुल आसान, पहला कोऑर्डिनेट है 0.3, दूसरा कोऑर्डिनेट मिला 6.0, यहां पर 6.0 मिला, यहां पर 0.3 मिला, नंबर लाइन खींच दिया। ये नहीं कि हमारे एनसीईआरटी जी जैसे कर रहे हैं कि चार पांच पॉइंट काफी होना चाहिए, बिल्कुल अभी सही है, पॉइंट पॉइंट से मिलाओगे, लाइन का निर्माण होगा, लेकिन तुम लोग को यह समझना चाहिए कि लाइन बनने के लिए दो पॉइंट काफी है। बोलो, तुम पेंसिल जब जब स्केल से खींचते हो ना लाइन, तो देखा होगा कारपेंटर को, देखो यहां पर पॉइंट लगा दिया, यहां पर पॉइंट लगा दिया और ऐसे खींच दिया लाइन, दो पॉइंट काफी होता है। यह बात को ध्यान में रखना होगा दोस्तों, पॉइंट ले लेके खींचा है, हम तो ये कहेंगे मेरे दोस्तों कि ये और ये पॉइंट काफी है। खींच दोगे नहीं खींचोगे? नहीं खींचोगे? क्यों नहीं खींचोगे? खींचना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये आपका स्ट्रेट लाइन है। अगला इसी ढंग से खींच दोगे क्या? गिवन द पॉइंट 1-2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच द लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशन देयर। 1-2 पर खींचना है तो पहला x प्लस वाई 1-2 होना चाहिए 3, तो 1-2-3 हुआ कि नहीं? तो हो गया सर। अब 1-2 कह रहा है, यानी एक पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा? ऐसे पास करेगा, 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 पास करते ही रह जाएगा। अनंत खींचा जा सकता है, इनफिनाइट खींचा जा सकता है। जैसे पहला लाइन ये वाला मान लिए, अब देखिए दो में से एक हटाइएगा, यानी y माइनस एक्स कीजिएगा तो एक हो जाएगा। अरे 1-2 लेके कह रहा है जी, दूसरा यहां पर y बराबर 2x हो जाएगा, तो इनफाइनाइट खींचा जा सकता है। क्या खींचा जा सकता है जल्दी बताइए? इनफाइनाइट क्या खींचा जा सकता है? बोलिए ना, क्या खींचा जा सकता है? जैसे इसको 2x कर दीजिए, यहां y कर दीजिए, तो ये 2 रुपया हुआ, ये भी 2 रुपया इक्वल 0, ये भी तो 1.2 पर पास कर रहा है, यानी इनफिनाइट खींचा जा सकता है। याद कीजिए, एक पॉइंट से कितनी लाइन खींचा जा सकता है? अरे खींचते ही रह सकते हैं, खींचते ही रह सकते हैं, खींचते ही रह सकते हैं, इनफाइनाइट। बिल्कुल आपका सही जवाब है, एनसीईआरटी को पकड़ के चलो। अगला बात आ गया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। ये तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, मेरा स्टार्टिंग बैटिंग तो यहां से होता है कि लाइन खींचने के लिए दो पॉइंट काफी है, एक बार एक्स को जीरो करेंगे, एक बार वाई को जीरो करेंगे। समझा कि नहीं समझा? अब यहां पर तुम्हारे पास एक आइडिया, सोचो क्या सोचो, ये लाइन है ऐसे पास करेगा, ये दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, ऐसे भी पास करेगा, दोनों इंटरसेप्ट कर रहा है, ऐसे भी पास कर रहा है, दोनों इंटरसेप्ट कर रहा है, ऐसे भी पास करे, दोनों इंटरसेप्ट कर रहा है। अगर ये दोनों इंटरसेप्ट ना करे
क्या होगा? होगा ना, अभी सर है ही, तब यहां पर होगा, या तो फर्स्ट और थर्ड से पास करेगा या सेकेंड और फोर्थ से पास करेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो एक पॉइंट तो ऑरिजिन ऑरिजिन हो जाएगा, दूसरा पॉइंट कोई ले लेंगे, दो पॉइंट काफी है। कितना पॉइंट काफी है? स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए दो पॉइंट काफी है। आइए कुछ क्वेश्चन का मजा लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई कम करो मजा ज्यादा लो। अगर हमारी बात को मानते हो तो सिंपल सा हम लॉजिक बताते हैं ग्राफ खींचने का। वह ग्राफ खींचने का लॉजिक सब लोग समझो। हम समझते हैं कि देखो हमको समझने में लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर समझ गया यार मजा आ जाएगा। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आपको मजा आने से कोई नहीं रोक सकता, मजा आ जाएगा। बोलो कैसे? देखो हम जो है एनालिसिस मास्टर है, काम कम करते हैं एनालिसिस ज्यादा करते हैं। अब देखो कैसे, यहां देखो गौर से, कलर को चेंज करने का मांग आया है। आज मंडे दिन है, पहले सूर्य भगवान का नमस्कार, तो यहां पर y बराबर x का हमने खींचा, यह 45 डिग्री पर है। ध्यान देना मेरे भाई, हम बहुत तकलीफ में हैं भाई। अच्छा सोचो हो, ये 1 है यहां, अच्छा y बराबर 2x होगा तो एक से ज्यादा ना हो गए, तो पहले से ऐसे थे तो अब बताइए ऐसे हो जाइएगा कि नहीं, और 3x होगा तो और ऊपर जाइएगा कि नहीं। समझ में आया? अच्छा अगर y बराबर हाफ x रहेगा तो नीचे आइएगा कि नहीं, तो ये बात सीखे। दूसरा पह है कि यहां ये एक्स है, आई एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, आई वाई बराबर ये माइनस एक्स हुआ कि नहीं। अब जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा तो समझ गए कि नहीं, ये इंटरसेप्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि नहीं। अगर यह लाइन ऐसे करके कटा हुआ है और यहां की कोऑर्डिनेट 2,0 है, यहां की कोऑर्डिनेट 0,-4 है, इसका मतलब x बाई 2 है और प्लस y बटे -4 है, इक्वल क्या है? 1 है, क्योंकि माइनस से इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो x बाई 2 और माइनस यहां y बाई 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 4 एलसीएम हो गया तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इस पर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा जी। क्या पूछेगा जी? आओ मजा ले लो। कह रहा है कि 4 इच द ग्राफ गिवेन इन फिगर 4.5, सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इन फ्रॉम द चॉइस गिवेन बिलो फिगर नंबर 4.5। किसको इंडिकेट कर रहा है? देखो यहां y बराबर x पर नहीं, 2x पर है। अरे 1 रखने पर टुगना है ना, तो मार दे टुगना, खेला खत्म। नहीं, अगला वाला देखिए, 4 है -2 है, क्या है? एकरा में तो 0-0 होगा, नहीं मराएगा, एकरा में दुगना होगा, ये भी नहीं मराएगा। बोलिया ना, एक्स 0 रखेंगे तो वाई 4 हो गया, और वाई को 0 रखेंगे तो -4 ना हो गया, यहां पर -2 है, गलती है। का है ये? कहां पर कटल है? -2 पर ना है, -2 पर कटा हुआ है। अब बताइए यहां वाई इजकल टू, यहां पर है एक्स माइनस, तो x-4 है तो x का वैल्यू रखने से -4 हो जाएगा,
बोलिए ना, तो ये गलती है। अब एकरे में चेक करे पड़ते कि का बात है, फिर से चेक करो। एक्स जीरो रखे तो वाई फोर हो लाई, अब वाई जीरो रखेंगे तो टू एक्स प्लस फोर इजकल टू जीरो, सो एक्स बराबर माइनस फोर बाई टू, ये माइनस टू, ये बिल्कुल सही हो गया, यानी सी हो गया। मजा लो, बनाओ कम, मजा लेते रहो। अब तो तीसरा नंबर फिगर देख के तुम लोग ट्रेसिंग कर ही देगा, ई वाला तो नहीं है होगा, ई दुगना वाला तो नहीं है, आई टू एक्स प्लस वन भी नहीं है, क्या कि एक्स जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू वन होना चाहिए, जबकि यहां माइनस फोर है, यानी ये वाला होगा। कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्टिव, समझ में आ गया होगा? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव बनाने का भी कुछ रूल रेगुलेशन है, आइए मजा लेते रहते हैं। हम बढ़ाते कम है, मजा ज्यादा लेते हैं, समझ गए? मजा ही लेते रहते हैं। एक्सरसाइज 4.3, ग्राफ खींचना है जी, हमर कोई विद्यार्थी के दिखते नहीं होगा। पहला का वन एक्स प्लस वाई इजकल टू फोर है, यानी एक्स को जीरो रखिएगा तो वाई फोर निकल गया, यानी जीरो कॉमा फोर, और वाई को जीरो रखिएगा तो फोर कॉमा जीरो हो गया। खिंचाया कि नहीं खिंचाया? खचा खच खच। यहां पर ही दूसरा वाला खींचना है जी, तो एक्स का वैल्यू वाई जीरो रखिएगा तो यह टू कॉमा जीरो हो जाएगा, बोलिए ना जी। एक्स जीरो रखिएगा तो जीरो कॉमा माइनस टू हो गया, खचा खच हो गया। अब वाई बराबर है जी, तीसरा जो खींचना है, क्योंकि मेन ग्राफ का मास्टर बनो ना, सर से मिल गया है, देखो वाई बराबर एक्स ऐसे जाते है। 2x में थोड़ा और ऊपर, तो 3x में खेला हो गया कि नहीं? एक बार एक विद्यार्थी को सॉरी हाँ, तो हमारे गुरुजी से गलती, जीरो जीरो, अब बोल रहा कि वन रखने पर थ्री, वन रखने पर, तो हम उसको बोले अरे बुरबकवा, क्या टू रखने पर सिक्स ना देते है? बोला अंदाज से न खींचल जाए ग्राफ जी, ग्राफ का मतलब होता अंदाज। चौथा नंबर देखो, इस कोना में मार लेते हैं जी, y बराबर 2x प्लस y है जी, यानी 2x प्लस y इजकल टू 3 है, तो x जीरो रखिएगा तो y की वैल्यू 3 आएगा, और y जीरो रखिएगा तो यहां माइनस 3 बाई 2 कॉमा 0 होगा, आया कि नहीं आया? आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गिव द इक्वेशन टू लाइन इन पासिंग थ्रू 2.14, हाउ मेनी मोर द लाइन, बिल्कुल 2.4 से 2 लाइन पास कर रहा है, तो 2 लाइन पास करवा दो 2.4 से, बोलो यस या नो? क्या इससे ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि कॉन्करेंट तो इसी को कहते हैं ना, कॉन्करेंट, 2 से अधिक, 2 से अधिक। देखिए अगर पति पत्नी मिला, ऐसे समझिए आप लोग अभी 9th क्लास के बच्चे हैं, अरे मम्मी पापा मिल गए तो उसको सोल्यूशन बोलते हैं, इधर से मम्मी गया, इधर से पापा गए, मिल गए ना जिया, आ इधर से मौसा आया, मौसी आए, भी मिल गए, अभी कॉन्करेंट हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एक ही वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू 4 रख देंगे, 4 तिहाई 12 हो गया, अब 12 में 7 घट गया तो 5 हो गया, और x की वैल्यू यहां पर 3 कह रहा है, यानी 5/3 हो गया। अगला कह रहा है कि द टैक्सी फेयर इन द सिटी फ्लो फर्स्ट किलोमीटर द फेयर 8 रुपये और बाकी ओकर बाद लगी 5 रुपये, वैसे भरते ना है आ जाएगा फ्रॉम द चॉइस, बताना है 4.6 में और 4.7 में, देखो 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 देखो, वाई बराबर माइनस एक्स है, वाई बराबर माइनस एक्स है, बिल्कुल मजा आ गया नहीं? अस में देखो 4.7 में, जो देखते नहीं देखा वो बड़ा दिक्कत है। एक्स की वैल्यू 0 रख दिया, वाई 2, मिल तो रहा है सर,
तो क्या एक्स जीरो रखने पर वाई की वैल्यू टू मिल रहा है और वाई जीरो रखने पर एक्स माइनस टू मिल रहा है, लेकिन प्लस टू है सर, यानी पहला वाला गलत है सर। हम बोले दूसरा देख लो ना, एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई टू, गलती है सर जी। हमने तीसरा देख लो, तो एक्स जीरो रखोगे टू और वाई जीरो रखोगे तब भी टू, ऐसा ही जवाब है। चौथा काहे गलत है, एक्स जीरो रखने पर थ्री है वाई का वैल्यू। समझ में आ गया होगा, बहुत मजेदार से आप लोग आ रहा होगा इस ढंग से, ये भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे हो जाएगा। हर मैं आपको एक का बात करते हो यार, मैंने तो तुम लोग को वो विद्या दिया है, देख लेना पीछे वाला क्लास खोल करके। ये तो f बराबर जो लिखा है 9/5 c f, ये लिखा है ना, ये कैसे आया ये तुमको समझना जरूरी है कि कनाडा में लोग कैसे मानते हैं, यूएसए में लोग कैसे मानते हैं, इंडिया में कैसे मानते हैं। हम तो साफ कम शब्दों में कहेंगे, अरे टेम्परेचर को लिखते कैसे हैं, ये बात को सीखो, थोड़ा सिखा देना चाहूंगा। यहां पर तुमको क्या करना है ना कि एफ और सी की बात कह रहा है, तो सी का वैल्यू दिया हुआ है, जो दिया हुआ रहता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, यानी डोमेन वाले को एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। हम समझते हैं कि समझ गया। तो आज आप लोग को जो मैंने एक्सरसाइज करवाया है वो एक्सरसाइज पुनः जाते हैं 4.3 तक आज हो गया, अगले एपिसोड में इसके आगे करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।